In the arrangement shown in figure 3Q3, the ends P and Q of an inextensible string moves downwards with uniform speed u. क्वेश्चन में देखेंगे कि हमारे पास ये दो एंड्स हैं, एक ये वाला एंड है, एक ये वाला एंड है PQ, ये u वेलोसिटी से इधर और u वेलोसिटी से इधर नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं. ये जो स्ट्रिंग है, एक ये वाली और एक ये वाली स्ट्रिंग जो है, ये इनएक्सटेंसिबल है, यानी कि इसके खींचने से आप इसको अगर स्ट्रेच करोगे तो ये खींचती ही नहीं है, अनस्ट्रेचेबल है, इनएक्सटेंसिबल है. ओके, पुलीज ए एंड बी आर फिक्स्ड, ए और बी पुली है, फिक्स्ड है. मास एम मूव्स अपवर्ड्स विद अ स्पीड, तो एम मास कितनी स्पीड से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ये एंगल थीटा के बारे मैं मान लेता हूं कि मास एम वी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है. ओके, अब यहां पे एक बात आप ध्यान रखिए कि हमेशा जब हम ऐसे टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो हम अस्यूम भी करते हैं कि जो स्ट्रिंग है वो इनएक्सटेंसिबल है और इसमें हमको गिवन भी है. तो क्या होगा अगर मैं इस एंड को नीचे खींच रहा हूं, तो हर पोर्शन यू वेलोसिटी से नीचे जा रहा है. ओके, तो हर पोर्शन यू वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये यहां पे जितने भी पोर्शंस हैं इस वायर के, ये सारे इसी डायरेक्शन में यू वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं. अगर ये जो पोर्शंस हैं इस स्ट्रिंग के इस दिशा में, वो यू वेलोसिटी से ना मूव करके यू से ज्यादा वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो क्या होगा, स्ट्रिंग सिकुड़ जाएगी. ओके, या ढीली पड़ जाएगी, क्योंकि ये सपोज ये 2 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रहा है और ये 4 से ऊपर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, लूजनिंग हो जाएगी, तो ये कंडीशन है ही नहीं. ऐसे ही आप इसको यूं भी समझिए, अगर ये 2 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रहा है तो ये एंड भी 2 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं सेम वेलोसिटी से, तो ना स्ट्रिंग खींचेगी और ना ढीली पड़ेगी. ठीक है, तो इसी कंडीशन को आपको हर क्वेश्चन में यूज करना है. अब मैं क्या करता हूं कि इस डायरेक्शन में जो ब्लॉक है ऊपर जा रहा है वी वेलोसिटी से, तो इसका यहां पे कंपोनेंट कितना हो जाएगा, वी कॉस थीटा. ठीक है, अब यहां पे कंपोनेंट हो गया वी कॉस थीटा. अब मुझे पता है कि यहां पे जो वेलोसिटी होगी एक्चुअल वो होगी यू के बराबर ही, तो आप नेक्स्ट पेज पे देखिए, अब इधर वी वेलोसिटी है, इसका इधर कंपोनेंट हो जाएगा वी कॉस थीटा. अब ये वी कॉस थीटा यू के बराबर ही होगा, क्योंकि अगर नहीं होगा तो या तो ये जो स्ट्रिंग है ये खिंच जाएगी या लूज पड़ जाएगी. ओके, तो वी कॉस थीटा इक्वल्स टू यू, इसलिए v इज इक्वल्स टू u अपॉन cos थीटा विल बी द आंसर. थैंक यू.